तू राजा बनेगा? नहीं नहीं, राजा नारायण दास बनेगा, नूर मोहम्मद सेनापति और मैं पुजारी बनूंगा। मैं गरीब आदमी हूँ, राज्य लेकर क्या करूंगा? अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई दूसरा राजा बनेगा जो तुम्हारी तरह गरीबों के दुख दर्द को नहीं समझ सकेगा बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। वहां जाना तुम्हारा कर्तव्य और मेरी आज्ञा भी, समझ लो यही गुरु दक्षिणा है। जिनसे जूता नहीं संभलता तकदीर उनके सर पर ताज रखती है। रानी मां समझा, शायद नए महाराज आ गए होंगे। बाप रे, राजा एक और मुसीबत इतनी। मैं यहाँ राज करने नहीं, आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत हो, आप सीधे मुझसे कह सकते हैं। मैं राजा होकर कैदी बन गया। तो हुकूमत के नशे में यह भूल गया है कि किसे जलील कर रहा है। आपसे खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के काटे का कोई मंत्र नहीं होता। क्या ये राजा के लिए जरूरी है कि वो राज सिंहासन के साथ पुरखों की दुश्मनी भी विरासत में हासिल करें? मैं तो ये जानता हूँ कि प्यार की ताकत नफरत की ताकत से ज्यादा है। मुझे वो मामूली लड़की चाहिए या अपने बुजुर्गों की शानदार रियासत? मैं रियासत छोड़ सकता हूँ, इंसानियत नहीं। मैं भगवान के सिवा और किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। सरदार, उन्होंने हमें गलत समझा है। हम शांति चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुजदिल हैं। अपने आदमियों को इकट्ठा कीजिए, हम इस जुल्म का जवाब देंगे। मुझे मालूम है कि आप सबसे बड़े तलवारबाज हैं, लेकिन जीत मेरी होगी क्योंकि मैं इंसाफ के लिए तलवार उठा रहा हूं।